हे एवरीवन, आज आपके लिए बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार से बीफ चाप की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार होगी। बिना देरी किए चले जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह से बोनलेस बीफ के पीसेस को ले लिया है, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको हमें फ़्लैट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से फ़्लैट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पीसेस जो है वो अच्छे से फ़्लैट हो जाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरह से सारे पीसेस को फ़्लैट करके इनको साइड में रख लीजिए। और यहाँ पर मैंने दूसरे मिक्सिंग बाउल को ले लिया है, जिसमें मैंने डाल लिया है 1 चम्मच जितने अदरक लहसुन के पेस्ट को, और 1 चम्मच जितने लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और 1 स्पून जितने मस्टर्ड सॉस को, और उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच जितने खाने वाले सोडे को भी मैंने डाल लिया है, और उसके बाद 2 चम्मच जितने कॉर्नफ्लोर को भी हमें इसमें डालना होगा, और उसके बाद 1 चम्मच जितने सोया सॉस और 1 चम्मच जितने ब्लैक पेपर पाउडर को मैंने इसमें डाल लिया है। अभी डाले हुए सारी चीज़ों को हमें एकदम अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें डालना होगा 1 नींबू के रस को। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस को डाल लिया है, और फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी हमारे बीफ के पीसेस को मैरिनेट करने के लिए मिक्सचर जो है वो बढ़िया से बन के तैयार है। अभी जो पीसेस को हमने फ्लैट करके रखा है, उन पीसेस को लेकर हमें इस पेस्ट के साथ कोट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से कोट कर लीजिए। अगर पेस्ट थोड़ा कम पड़े तो आप फिर से पेस्ट बना लीजिए, बट पीसेस पे पेस्ट हमें अच्छे से कोट होना चाहिए। इस तरह से कोट करने के बाद बस 10 मिनट के लिए इनको साइड में रख दीजिए। और उसके बाद स्टोव पर मैंने पैन को रख लिया है, जिसमें मैंने डाल लिया है तेल को। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितने तेल को मैंने डाल लिया था। तेल के गर्म होने के बाद जो पीसेस को हमने कोट करके रखा है, उन पीसेस को भी मैंने इसमें डाल लिया है। अभी पीसेस को डालने के बाद बस 5 मिनट तक एक ही साइड पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद इनको दोनों तरफ पलटते पलटते हुए दोनों तरफ बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक, और ये पीसेस जो है वो अच्छे से पकने तक हमें इनको पकाना होगा। इस तरह से जब हमारे पीसेस अच्छे से पक जाए तब इनको आप साइड में निकाल लीजिए। और हाँ, अगर आप इनको स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो साइड में थोड़े से कोयले को आप गर्म करके इन पीसेस को रख के थोड़े से स्मोकी फ्लेवर को भी दे सकते हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और आपको इसका स्वाद कैसे लगा आपका फीडबैक जो है वो हमें कमेंट के ज़रिए शेयर कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को छोटा सा लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करके, और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।